हेलो बच्चों, इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को डिटेल में समझेंगे, हम यूनियन ऑफ सेट्स जानेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जाना था कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, इंटरवल ऑफ सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट। ये सारे टॉपिक मैं पहले प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, वेन डायग्राम होता क्या है कि दो सेट्स के बीच के रिलेशन को जब हम डायग्राम के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। क्या? द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम नोन एज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनता है दो सेट्स के बीच जो भी रिलेशन हो उसका। जैसे कि कोई दो सेट्स के बीच रिलेशन क्या होता है कि एक सेट दूसरे का सबसेट होगा या यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक सेट ले लेते हैं हम ए, एक सेट ए ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट है हमारा 1, 1, 3, 5, 7। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, 7। एक सेट बी ले लेते हैं हम जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का एक यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 ये अप टू 12 तक है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी। क्या निकाल रहे हैं हम? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये क्या है? यूनियन है। ये जो साइन है वो क्या है? यूनियन का साइन है। यूनिवर्सल सेट ऐसे बनता है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और ये यूनियन का साइन है, इसको क्या पढ़ते हैं हम? यूनियन। अब ए यूनियन बी मतलब ए सेट और बी सेट के बीच क्या है? ए यूनियन बी निकाल रहे हैं हम। ए सेट और बी सेट का यूनियन निकाल रहे हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए सेट और बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो सबको एक साथ लिखेंगे हम। समझ रहे हो बात को? ए यूनियन बी का मतलब है ए सेट और बी सेट में जितने एलिमेंट हैं हम उसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट आएगा? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। हम जान रहे हैं कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, समझ में आया? तो ए यूनियन बी जब हम निकाल रहे हैं तो उसमें ए सेट और बी सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए यूनियन बी को हम और क्या पढ़ते हैं? ए और बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? ए और बी। समझ में आई बात? जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक्स जो एलिमेंट है, एक्स जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है। एलजेब्रिकली कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ए यूनियन बी, जैसे हम माने कि एक्स जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि या तो वो ए से बिलोंग करेगा और या तो वो बी से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग कर सकता है। मतलब और आ रहा है बीच में। यूनियन का मतलब क्या होता है? और। एक्स अगर एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा और या तो बी को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग कर सकता है। समझ रहे हो बात? ये होता है। और अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, देखो वेन डायग्राम बनाएं, हम क्या बना रहे हैं? ए यूनियन बी को वेन डायग्राम बना रहे हैं, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनियन सेट को, सॉरी यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ हम यूनिवर्सल लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक सेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये ए सेट हो गया और ये हो गया हमारा बी सेट। ठीक है, ये हो गया ए सेट और ये हो गया बी सेट। अब देखो, ये जो एरिया है यहाँ दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखते हैं हम। देखो हर डायग्राम ऐसे ही बनेगा सबसेट को छोड़ के, बस मार्क हमको कहाँ करना है वो ध्यान देना है। देखो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। उसके बाद ए और बी बनाते हैं। अब ये जो कॉमन एरिया दिख रहा है हमको, ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, इसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखते हैं। ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट क्या है? 3, 5, 7।
सॉरी 5 7 5 7 दो एलिमेंट है ना, तो यहाँ 5 5 लिखेंगे और यहाँ 7 लिखेंगे, समझ में आई बात, और ऐसे डॉट लगा देंगे। तो 5 और 7 जो कॉमन एलिमेंट है वहाँ यहाँ लिखेंगे। अब देखो ए सेट के अंदर टोटल कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 3 5 7, तो ये जो सर्कल है वो सेट ए का है ना, ये यहाँ तक वाला ये सेट ए का है, तो 5 और 7 यहाँ आ गया, बचा क्या 1 और 3, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ लिख देते हैं 3, ये पूरे जगह में, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट आ गया। अब सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है, 5 7 9 11, तो ये सेट बी का सर्कल है, ये सेट बी का है, 5 7 आ गया, यहाँ बच क्या गया 9 और 11, डॉट लगा दो, तो ये हो गया 1 3 5 7 9 11। अब यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू 12 तक, देखो 1 3 5 7 9 11 यहाँ आ गया, जो एलिमेंट्स बच गए उसको यहाँ लिखेंगे हम, जैसे 2 बच गया है तो 2 यहाँ लिख दिए, 3 तो यहाँ आ गया, उसके बाद 4 4 4 लिख देते हैं यहाँ 4, 5 आ गया है 6 आ जाएगा 6, 7 आ गया है तो 8 आ जाएगा 8, 9 आ गया है तो 10 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ गया है तो 12 तक के, तो ये रहा वेन डायग्राम। अब हमको ये जो वेन डायग्राम है किसका है, ए यूनियन बी का, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट है, तो है 1 3 5 7 9 11, तो 1 3 5 7 9 11, तो जो एलिमेंट जहाँ पर भी आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे 1 3 5 7 9 11, तो ये टोटल एरिया हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो ये बना ए यूनियन बी का डायग्राम, समझ में आई बात, ये था ए यूनियन बी का। नेक्स्ट समझते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हम नेक्स्ट समझते हैं अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखो सेम सेट कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास ए सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 9, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 7 9 11। अब हम निकाल रहे हैं, देखो यहाँ हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 9 तक, ठीक है, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 7 9 11। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकाल रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट क्या है 5 और 7, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या आएगा 5 और 7 आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम पढ़ते हैं, ये क्या है इंटरसेक्शन का साइन, ये जो साइन है ये क्या है इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी को और क्या पढ़ते हैं हम, एंड पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं ए एंड बी, ठीक है। अगर हम एल्जेब्रिकली इसी बात को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से, इसका मतलब है कि एक्स या तो एक्स ए में भी प्रेजेंट होगा एंड बी में भी प्रेजेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो यहाँ क्या था, एल्जेब्रिकली जब हम यूनियन को लिख रहे थे तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या था कि एक्स या तो ए में या एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा और या तो एक्स बी को बिलोंग करेगा या हो सकता है दोनों को बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ बात है कि एक्स जो है ए और बी दोनों को ही बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड बोलने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो दोनों को बिलोंग करेगा, जैसे मैं यहाँ 5 को ले लूँ, 5 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होगा कि 5 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी, मतलब 5 ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको हम लिखते हैं यहाँ, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है तभी लिखे ना, तो एल्जेब्रिकली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये है कि 5 ए को बिलोंग करेगा एंड और 5 बी को भी बिलोंग करेगा। यहाँ क्या हो सकता था, यहाँ हो सकता है कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है जो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है तो ये हो सकता है कि ए को बिलोंग करेगा और या हो सकता है बी को बिलोंग करेगा, हो सकता है या दोनों को बिलोंग कर सकता है, लेकिन यहाँ मस्ट है कि जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है वो दोनों को ही बिलोंग करेगा, 5 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी, बात समझ में आई। तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर इसी का हम वेन डायग्राम बनाएं, देखो जब हम इसी का
वेन डायग्राम बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या रेक्टेंगल बनाते हैं, जो क्या दिखाता है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, ये दिखाता है यूनिवर्सल सेट को। डायग्राम सेम ही बनेगा, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ ए, ये हो गया बी, ए के अंदर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। ए के अंदर हमारे एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ आएंगे 5 और 7, ठीक है। कॉमन एलिमेंट को सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, ए के अंदर है 1, 3, 5, 7, तो यहाँ 1 और 3 लिख देते हैं। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट आया 1, 3, 5, 7, बी सेट के अंदर है 5, 7, 9, 11, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 11। अब बाकी जो एलिमेंट्स बच गए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, तो 1 यहाँ है, यहाँ आ जाएगा 2, 3 है तो यहाँ आ जाएगा 4, 5 है तो यहाँ आ जाएगा 6, 7, 8 बच गया, 9 बच गया, 10, 11 यहाँ आ गया, एक 12 एलिमेंट। तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब हमको ये वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 5 और 7। यहाँ 5 और 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ को मार्क कर दो। तो ये जो डायग्राम हुआ ये किसका बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का। तो बात समझ में आई, हम पढ़ लिए यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स से। तो हम सेट ले लेते हैं, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 2, 4, 6, 8। अब हमको डिफरेंस निकालना है, मतलब निकालना है ए माइनस बी निकालना है, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट हुआ ए माइनस बी, समझ में आई बात। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ए और बी में देखो यहाँ ए सेट के अंदर के एलिमेंट लिखेंगे और बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको हम माइनस कर देंगे। तो देखो ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, बी सेट के एलिमेंट को इसमें माइनस कर देंगे। तो 2, 4 यहाँ क्या क्या बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 2, 4 और कौन सा एलिमेंट है क्या, तो ए माइनस बी मतलब बी सेट के अंदर के एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 और 4, तो माइनस करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा वो क्या क्या बचेगा, 1, 3, 5। बात समझ में, मतलब ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि बी सेट ए से हम बी सेट के अंदर के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो बी सेट का कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, 2 और 4 प्रेजेंट है, तो उसको माइनस करके हम यहाँ लिखते हैं। बात समझ में, एल्जेब्रिकली इसी बात को अगर हम लिख रहे हैं, ए माइनस बी अगर हम लिख रहे हैं तो एल्जेब्रिकली इसी बात को जो कैसे लिखते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, समझ में आया। देखो जैसे मैं यहाँ पर 1 यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, 1 बिलोंग्स टू ए माइनस बी लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 जो है सेट ए से बिलोंग करेगा एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दिख रहा है 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 बी में है क्या, नहीं है ना। तो एल्जेब्रिकली ये बात जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, जब भी हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, जैसे कोई भी डेफिनेशन समझ रहे हैं, जैसे हम यहाँ समझे डिफरेंस ऑफ सेट, तो इसका एल्जेब्रिकली मीनिंग समझना ज़रूरी है, समझ में आई बात। जैसे यहाँ मैं बोला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, अगर मैं ए से बी में डिफरेंस निकाल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ए के एलिमेंट लिखेंगे हम और ए में जो बी का एलिमेंट है उसको हम माइनस कर देंगे, समझ में आई बात। जैसे यहाँ ए सेट में बी का कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था, 2 और 4 प्रेजेंट था, तो 2 और 4 को हम यहाँ क्या कर दिए, माइनस कर दिए, समझ में आई बात। इसी का हम वेन डायग्राम बनाएं, इसी का जब हम वेन डायग्राम बनाएं तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये रेक्टेंगल से दिखा रहे हैं हम, रेक्टेंगल से क्या दिखाते हैं हम, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। इन दोनों का यूनिवर्सल क्या होता है, मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ, ए और बी का यूनिवर्सल यहाँ एक ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक है, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक है, 10 तक एलिमेंट है, ए और बी का यूनिवर्सल है, ठीक है। अब जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो रेक्टेंगल से क्या दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट को। अब यहाँ सेम ए बनाओ और बी बनाओ जैसा हम बनाते आए हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ 2 और 4 है, ठीक है। ए में एलिमेंट प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 5, तो 1,
टू यहाँ है, थ्री फोर यहाँ है और एक फाइव बच गया, तो फाइव को ऐसे लिख देते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव आ गया। बी सेट के अंदर एलिमेंट टू फोर सिक्स है, टू फोर यहाँ आ गया, सिक्स और एट आ गए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में जो बच गए एट नाइन और टेन, तो यहाँ नाइन लिख लेते हैं और ये हो गया टेन, ये हो गया। अब हमको ये जो डायग्राम बना रहे हैं हम किसका बना रहे हैं, ए माइनस बी का बना रहे हैं। तो ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, वन थ्री फाइव, वन थ्री फाइव कहाँ दिख रहा है, वन थ्री फाइव यहाँ दिख रहा है, तो इसी बस को मार्क कर लो। तो ये जो डायग्राम बना ये किसका बना, ए माइनस बी का, डिफरेंस ऑफ सेट्स का। समझ में आई बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे मैं एक सेट कंसीडर करता हूँ ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट है हमारा वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, एक सेट ए है। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको पढ़ते हैं ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, ये साइन है कॉम्प्लीमेंट का, इसको ए डैश भी पढ़ते हैं। ए डैश होता क्या है, यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट से गिवन सेट को माइनस कर दो, तो ये उस सेट का क्या निकल गया, कॉम्प्लीमेंट निकल गया। बात समझ में आई। जैसे इस सेट का मैं एक यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूँ यहाँ वन टू थ्री, ये अप टू टेन तक है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से जब हम उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो वो निकल गया उस सेट का क्या, कॉम्प्लीमेंट निकल गया। समझ में आई बात। तो यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करना मतलब ए के सारे एलिमेंट को हटा देना है यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव, तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, तो ये निकल गया ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या निकल गया, ए कॉम्प्लीमेंट, इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, या इसको डैश भी पढ़ते हैं, ए डैश पढ़ते हैं। बात समझ में। एल्जेब्रिकली इसी बात को लिखना है, अगर जैसे मैं एल्जेब्रिकली इस बात को लिख रहा हूँ ए डैश को, ए डैश, तो क्या लिखेंगे हम, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आए ना, यही तो हम पढ़ते हैं ना, ये जो एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ना। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट से सेट ए के एलिमेंट को माइनस कर देना। जब हम इस यूनिवर्सल सेट से सेट ए के सारे एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या निकला, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। बात समझ में। जैसे मैं यहाँ कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ सिक्स ले रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि सिक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से, तो इसका मतलब क्या है कि सिक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट, या एंड लिखो, एंड सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यही बात हो रहा है ना। तो ये जो एल्जेब्रिक मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम एल्जेब्रिकली लिखते हैं ना इस बात को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात, यहाँ तक पूरा बात समझ में आया ना बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, दो सेट्स को कब हम डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे इसको समझते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट जो बात करें हम, डिसजॉइंट सेट्स। देखो मैं एक सेट ले रहा हूँ ए जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है वन टू थ्री फोर। ठीक है, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है फाइव सिक्स। अब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा जब ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा यहाँ, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या आएगा, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है होते हैं उसको हम लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ क्या है, कुछ नहीं, फाइव, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलेंगे, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का अगर वैल्यू फाइव आ गया, मतलब ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। यहां लिख सकते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। बात समझ में आया बात, कि ए और बी के अंदर जब, मतलब कोई दो सेट्स आपस में कब हम किसी दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, जब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। क्या बोल रहा हूं मैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। बात समझ में आई बच्चों?